चेक इट आउट पहले मौसम का, मस्त मौसम। बहुत दिनों बाद धूप आई है। देखो गाइस मेरी लाडो क्लैपिंग करती है मीटर के ऊपर क्योंकि इसको कोई जगह नहीं। मम्मी आई थी चाय बना के ले गई, मतलब वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, तो चेक इट आउट पहले मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए मस्त मौसम, एकदम पहाड़ एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल इतना बारिश बरस रही थी, दिन भर बारिश बरस रही थी, जिसके कारण पूरा मतलब जो पोल्यूशन है साफ हो गया। तो बारिश एकदम इतना तगड़ी बरसी, सुबह शाम तक एक बूंद भी रुकी नहीं, तो इसके कारण मौसम जो ये पहाड़ साफ नहीं दिखता था, पूरा पहाड़ एकदम साफ दिख रहा है। तो गाइस चेक इट आउट, तो चलते हैं अभी ऑफिस को। और अभी लगा हुआ है फाटक, तो थोड़ा रुकना पड़ रहा है 5-10-15 मिनट, जब तक ट्रेन पास नहीं होगी तो उसके बाद सीधे हम चलेंगे ऑफिस। ठीक है, तो व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप भी देखते रहिए। तो गाइस सर जी के डैडी चले गए हैं आज ऑफिस, और अब कह कि हर्षी और मैं अकेले हैं। आज बहुत दिनों बाद धूप आई है, थोड़ी सी वो भी हल्की हल्की सी। बहुत सारे कपड़े थे वो धोए, बहुत सारा काम किया था वो अंदर, मतलब बहुत अजीब होता है, सारे कपड़े सुखा दिए हैं धूप में। और हर्षी के सबसे ज़्यादा टेंशन रहते हैं क्योंकि क्या होता है, हर्षी बार बार टॉयलेट करती है तो उसके कपड़े भीग जाते हैं, और फिर वो मेरे को पानी में धोने पड़ते हैं, फिर सुखाने पड़ते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा वो रहता है। और कहे कि आज थोड़े कपड़े पूरे सूख गए हैं, और बढ़िया करके मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन जैसी बारिश बंद हुई वैसी गर्मी शुरू हो गई। और मेरी हर्चू देखो क्या कर रही है, हर्षी की न्यू फ्रेंड आई हुई है। इसका नाम मैं सोची इसका नाम क्या रखूँ, हर्षी टू रख देती हूँ, तो मैंने इसका नाम रखा है हर्षी टू। ये देखो, हेलो गाइस बोलो। तो गाइस ये मेरी पार्टनर है, तो अब ये भी मेरे व्लॉग में डेली आएगी, तो आप लोग इसको गौर से देख सकते हो, बहुत ही क्यूट है। और ये गिफ्टेड बाय चीकू, चीकू मींस कि हीना की दीदी का बेटा, उसने भेजा है। तो बहुत ही क्यूटी सी डॉल है, हर्षी जैसी। तो अभी मैं थोड़ा काम करती हूँ, हर्षी के कपड़े लेकर आती हूँ, वो तय करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, बाकी का मैं आपको दिखाऊंगी कंटिन्यू। तो गाइज हर्षी बैठी हुई है अपनी डॉल के साथ, और देखो कैसे सतानी करी है चुपके चुपके। हेलो कहते हेलो, हेलो। हर्षी सोच रही है मैं बात करूं और मैं फोन पकड़ूं, और मैं इसको फोन दूंगी नहीं क्योंकि हर्षी फोन मेरा तोड़ देगी, आप सबको पता है बच्चे तो फोन तोड़ देते हैं, और इसीलिए मुझे बार बार देख रही है। तो गाइस हम लोग जाने वाले थे घर, तो घर जाते जाने से पहले हमारा प्लान हो गया कैंसिल। तो मेरी मम्मी का फोन आया था कि वो आएंगे थोड़े दिनों बाद, तो उसके बाद तुम आना, तो वरना हम लोग जाते आज घर। अब जाएंगे हम संडे को, तो अभी संडे तक हम यहीं हैं, संडे तक हम कंटिन्यू यहीं के ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग देखेगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, और हर्षी की डेली मस्ती भी देखिएगा। ये देखो हर्षी क्लैपिंग कर दी। ये देखो गाइस मेरी लाडो क्लैपिंग करती है, इसको नहीं खोलना है। क्लैपिंग करो हर्षी, क्लैपिंग कर। हर्षी को बताना पड़ता है, हर्षी के साथ बहुत, कहाँ से आवाज आई? हर्षी देख रही है हमारा जो इन्वर्टर है ना, उसमें क्या है कि जब लाइट जाती है तो अब 5 बार डिप डिप बोलता है, तो लाइट चले गई है इसलिए हर्षी इधर उधर देख रही है। और मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, हर्षी की फ्रेंड। तो गाइस हर्षी की फ्रेंड बैठी हुई है इन्वर्टर के ऊपर क्योंकि इसको कोई जगह नहीं मिल रही, और मैं सोफे में इसको बैठने नहीं दे रही हूँ क्योंकि बिल्ली के बाल बाल हो जाते हैं, और चेयर पर भी मैं इसको बैठने नहीं दे रही हूँ। तो अभी बाहर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, फिर भी बादल लगे हुए हैं, देखो आसमान एकदम क्लीन अप होता जा रहा है धीरे धीरे। ये मौसम का जादू है मितवा।
देखो पूरे घर में मेरे हर्षी के ही कपड़े फैले हुए हैं। यहाँ पर हर्षी का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर हर्षी ही बैठी हुई है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे भी हर्षी का सामान है। और कम हो गया कहने के लिए, हर्षी के डैडी आए थे और हर्षी के लिए लेकर आ गए वॉकर। हर्षी के लिए वॉकर आ गया है, तो अभी हर्षी वॉकर में बैठेगी। और देखो क्या बताऊं, यहाँ पे भी हर्षी के टॉय पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी सब जगह, सारे चारों के चार कमरों में हर्षी का ही सामान पड़ा हुआ है। आचा, आचा, आचा। तो गाइस मेरी हर्षी खड़ी होने लगी है, देखो वाह मेरी अच्छू कर ली है और ये चल भी रही है, पता नहीं कहाँ को चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छू को, कहाँ चल रहा तू, इधर इधर हर्षी इधर आजा, आजा ले ले मैं तेरे को दूंगी ये ले। ये ले आजा, ये ले ले अपना, हर्षी वॉकर में बैठ जाती है तो बहुत मस्ती करती है। तो गाइस हर्षी का वॉकर मैंने रख दिया आज आंगन में, देखते हैं चलती है नहीं चलती है, वैसे तो चल रही है, जूते भी पहना दिए पर जूता थोड़ा छोटा हो रहा है तो उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है। हर्षी आजा आजा जल्दी आ, मम्मा जा रही जल्दी आ, वो नानू क्या कह रहे, घुम्मा जाएंगे आजा घुम्मा, हाँ खड़ी हो जा, ये भत्त से बैठ गई। आ जल्दी आ, कोशिश कर रही है, जूते बाद में देखना आ जा, जूते बाद में देखना आ। ले ले इसको, गाइस यहाँ पे कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं ये देखो। ओ मित्रा ओ यारा यारे तोड़ के ना जाना, और ये वाला फूल भी इतना बड़ा हो गया है, और गुलाब तो सारे खिले हुए हैं देखो, हवा चल रही है हिल रहे, ये गुलाब की छटिंग करनी है तो इसको मैं काट दूंगी, ऊपर ऊपर इतने सारे गुलाब खिले हुए हैं, बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं, और ये पपीते के पेड़ में भी इतने बड़े बड़े पपीते आ गए हैं ये देखो, इतने सारे पपीते लगे हैं, बाप रे, एलोवेरा भी इतना सारा हो गया है, ये लगा हुआ है काली हाजरी का फूल, इसमें आएंगे दो कलर के फूल आएंगे इसमें। तो गाइस बाहर कितनी चमचमाती धूप आ रही है, एकदम मौसम एकदम क्लीन दिख रहा है, ये देखो बहुत तेज धूप आ रही है बाहर, और जो है खेत में सब लोग काम कर रहे हैं इतनी धूप में, मक्का तोड़ रहे हैं तो उन लोगों को भी बहुत तेज धूप लग रही है, क्या करें मक्का तो तोड़नी पड़ती है, और हम लोगों ने तो बहुत सारे मजदूर भी लगाए हुए हैं, और ये सामने भी मक्का है ये भी तोड़नी हो गई है, और हर्षी खेल रही है वहाँ पे, मैं हर्षी को अभी दिखाऊंगी नहीं क्योंकि हर्षी शेम शेम कर रही है हा? और बाहर दिखाती हूँ मैं तुम्हें, इतनी तेज़ धूप आई है और देखो कितनी सारी मक्का तोड़ दी है, अभी इतनी मक्का तोड़ दी है ये देखो, पूरी यहाँ डाल दी है, और ये छिलके समेत ही मशीन में डालेंगे और इसके दाने निकालेंगे, तो ये अभी एक ही खेत की मतलब हाँ एक खेत की मक्का तोड़ी है, अभी दो खेत की मक्का और बची हुई है, और ये देखो सामने से कितनी तेज़ धूप आ रही है, तो चलो चलते हैं अंदर, हर्षी को मैं लेट आके आई हूँ, देखा तो कितनी तेज़ धूप आ रही है। इस शाम के बज गए हैं 4 और हम लोग पी रहे हैं चाय, मम्मी आई थी चाय बना के ले गई, मतलब मम्मी घर में ही थी, वो मजदूर जो लगे हैं उनके लिए चाय बना के ले गई है, और हर्षी मेरे साथ चिपकू बन के बैठी हुई है ये देखो,
और क्या है कि हमारे वहाँ बहुत सारी मक्का तोड़ रहे हैं अभी, वो खेत में लगे हुए हैं सब लोग, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो हर्षी मक्की चल रही है मस्ती, एकदम मस्ती करती रहती है, बस पूरे दिन भर सोती नहीं है। जब से नानी के घर आई है ये सोती नहीं है, और आज ये सोई है, मतलब ये सो गई थी 1:30 बजे सो गई थी, और अभी उठी है 4 बजे। बहुत मस्ती करती है भाई ये लड़की। हर्षी कैट कहाँ है? हर्षी से पूछो कैट कहाँ है, कैट कहाँ है बाबू? वो देखो हर्षी कैट दिखा रही है, वो सामने कैट बैठी है। ये हमारी घर की बिल्ली है और बहुत पुरानी बिल्ली है, और हर्षी उससे बहुत प्यार करती है। दूर से उसके साथ खेलिए क्योंकि मैं हर्षी को बिल्ली के पास में नहीं ले जा सकती। शैतानी कर रही है ये बहुत सारी नानी के घर आके, बहुत मज़ा आ रहा है इसको। और गाय का दूध पी रही है, अच्छा वाला प्योर दूध एकदम, नानी इसके लिए बढ़िया वाला दूध रखती है। देखो देखो कैसे लटक गई है। हर्षी को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे हरकतें करती है। अब ये थोड़ी ज़्यादा नौटंकी करने लगी है, एकदम फुल मस्ती में रहती है ये। और हर्षी के डैडी को बहुत याद आ रही हर्षी की, बोले थे मेरे को हर्षी की बहुत याद आ रही, मेरे को अपने बच्चे की बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही बोलते हैं। बाहर मैंने आप सबको दिखाया था, तो ऐसा चल रहा है अभी गोलापार में, और मेरे मायके में ऐसे काम वाम चल रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, कल से ही काम कर रहे हैं सब लोग, मक्का तोड़ रहे हैं। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, मेरे भैया की शादी हो गई थी और उसकी बची थी एल्बम आनी, एल्बम भी आ गई है और पेन ड्राइव भी आ गई है, वीडियोस सब कुछ आ गई है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको पूरी एल्बम।